गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे और हमेशा ही अच्छे रहें। तो आज का सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना गाड़ी का बम्पर ठीक कराने, क्योंकि कल रात एक किसी ने स्कूटी वाले ने ड्रिंक कर रही थी। मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था उसे, वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, तो उसने ड्रिंक करी हुई थी, मुझे पता लग गया था। मैं आराम से जा रहा हूँ अपना, एकदम स्पीड से आया, पता नहीं क्या हुआ उसे, गाड़ी में आगे बम्पर में सीधा घुसा दी स्कूटी उसने। गाड़ी का बम्पर निकल गया, लाइट्स की वायर वगैरह भी निकल गई। तो मैं उतरने के लिए जैसे उतरा देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो भाई वो स्कूटी उसने ऐसे भगाई जैसे पता नहीं धूम थ्री बन गया हो। मतलब होता है ना, एक बारी भाई तुमसे लग गई, चलो कोई बात नहीं, तुम सॉरी तो बोल दो, लेकिन भाई नहीं, लोगों को बचना है बस। मतलब क्या ही हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल। तो अब बस वही ठीक करवाने जा रहा हूँ यार, फालतू में खर्चा हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितना क्या कैसे ठीक होता है, नया लगता है या फिर वही रिपेयर हो जाएगा। चलो चलते हैं गाइस। ये भी लगाना पड़ेगा इल्ला सर, तारे भी टूट गई सारी इसकी। तारे चेक करा था, लड़का आएगा जब चेक करा था। तारे तो लग जाएंगे जो भी है, एक तारों का हमारा तो रोल नहीं है ना। वायर वगैरह सब टूट गई है इसकी, ब्रैकेट भी गिर गया, यहाँ से टूट भी गया। यार ये जो सॉन्ग है ना, ये सुन के ना मतलब गूज बम्स आ जाते हैं एकदम, एक नंबर है। मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस अलग ही चीज़ है। और यार बाकी अगर दिल्ली में आप लोग आ रहे हो ना, तो एक चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना, वो है ट्रैफिक। देखो ये तो यार आदत सी हो गई है इसकी, तो अब खुले रोड तो पता ही नहीं कहाँ ही है। तो यार ये अपना बम्पर उखाड़ दिया है उन्होंने ठीक करने के लिए, अब इसका ब्रैकेट वगैरह लेके आते हैं फिर वो लगवाते हैं। घर मतलब ये तो पूरी मार्केट है पेंट की, यहाँ पे पेंट वगैरह सब हो रहा है। मैं तो ये टूट गई, जब तो नोजल ना निकलते है ये पता नहीं डेबिट कवर भैया। होंडा मेज का ब्रैकेट चाहिए राइट साइड वाला, ऊपर वाला बम्पर का, बम्पर का। हाँ जी 2020 मॉडल अमेज। तो यार हमने बम्पर का ब्रैकेट ले लिया, ये ब्रैकेट है तो इस पे ही बम्पर टिकता है, तो इसकी वजह से वो गिर गया था नीचे ना। तो चलते हैं लगवाते हैं अब, बड़ा पेंट उड़ रहा है यहाँ पे। तो यार देखो ये भैया हमारा बम्पर ठीक कर रहे हैं, पूरा गैस से पूरा बढ़िया से कर रहे हैं। ये देखो तो ऐसे ठीक होता है बम्पर। तो यार ये देखो कितना अच्छा इन्होंने काम करा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि ये टूटा था। ₹800 में बम्पर ठीक हो गया। तो यार गाड़ी का बम्पर वगैरह ठीक हो गया है, लाइट्स रह गई है, लाइट्स मैं बाद में करवा लूंगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था वहाँ पे। अगर लाइट ठीक करवाने बैठता तो रात ही हो जाती। तो अब मैं घर पहुँच गया हूँ, गाड़ी पार्क कर दी है, अपना
घर चलते हैं, प्री वर्कआउट मील खाते हैं, फिर जिम जाते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं अपना बढ़िया से। तो यार ये अपनी प्री वर्कआउट मील है, बॉइल्ड ग्रिल्ड पोटैटोस एंड योगर्ट। अगर आप ये खा रहे हो ना जिम से पहले तो इनसेन पंप आने वाला है आपकी बॉडी में ना, मज़ा आ जाएगा आपको वर्कआउट करने में। तो यू शुड ट्राई करो आप लोग, देखो फिर रिजल्ट देखो जो लोग जिम करते हैं। तो यार वर्कआउट ख़त्म करते हैं आज का यहीं पे, चलो घर चलते हैं अब। तो यार ये अपनी पोस्ट वर्कआउट मील है, चिकन सैलेड विद मशरूम सॉस। तो यार आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब।